स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द डिलीटेड सिलेबस ऑफ क्लास 11th। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है, इसमें से जो आपका हटा दिया गया है उसके अंदर है गजानन माधव मुक्ति बोध में का जो है नए की जन्म कुंडली, उसके बाद उसकी माँ और भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। ये गद्यखंड का पाठ है जिसको हटाया गया है। उसके बाद आ जाइए आप, ये जो है आपका काव्य खंड के अंदर देव यानी कि हंसी की चोट, सपना, दरबार, संध्या के बाद, नींद उचट जाती है और हस्तक्षेप। अब यहाँ पे जो है आपका जो है जैसे क्लास 12 का भी दिया हुआ है तो क्लास 12 में आपको नहीं पढ़ना है। गीत गाने दो मुझे, सरोज स्मृति, यह दीप अकेला, मैंने देखा एक बूंद, बनारस, दिशा, उसके बाद केशव दास की जो है कवित्त सवैया और धनानंद की कवित्त सवैया, इनको नहीं देखना है हम लोगों को। गद्य खंड में कच्चा चिट्ठा, गांधी नेहरू और आसर अराफात, यथा रम्य रोचते विस्मय और कुटुज, इसको जो है हम लोगों को नहीं देखना है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका हिंदी के अंदर। अब हम लोग जो है सेकेंड देखते हैं जो आपका इंग्लिश में है। तो इंग्लिश इलेक्टिव के अंदर है जिस टॉपिक को यहाँ पे डिलीट किया गया है, तो राइटिंग सेक्शन में रिपोर्ट राइटिंग हटाया गया है। लिटरेचर के अंदर ग्लोरी ऑफ ट्विलाइट, द लंचोन फॉर एल्काना, उसके बाद है आपका रिफ्यूजी ब्लूज, फीलिंग ऑफ द बेनियन ट्री, एजेमिल एंड द टाइगर्स, ये 11th का है। और 12th में हटाया गया है आपका जैसे कि लिटरेचर के शॉर्ट स्टोरी में है टुमारो, 1 CM, ब्लड, साइंस फिक्शंस, आर्गुमेंटिव इंडियन एंड ब्रोकन इमेज, ये पोर्शन जो है आपका 12 से हटाया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है इंग्लिश कोर के अंदर। इसमें जो डिलीटेड टॉपिक है आपका राइटिंग सेक्शन में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स, लेटर टू द एडिटर्स, एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विथ ए बायोडाटा, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग एंड नैरेटिव। ग्रामर के अंदर जो आपको नहीं पढ़ना है उसमें है मॉडल्स, क्लॉजेस, चेंज ऑफ वॉइस, एरर करेक्शन, एडिटिंग टास्क। लिटरेचर में क्या क्या छोड़ना है उसमें जो है हॉर्नबिल, फादर टू सन, द एडवेंचर, उसके बाद स्नैपशॉट के अंदर जो है द घाट ऑफ द ओनली वर्ड एंड द टेल ऑफ मिलियन सिटी। तो ये रहा आपका जो इंग्लिश के अंदर है, इसको नहीं देखना था। और अब आ जाइए आप केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में देखिए आपको क्या क्या हटाना है, क्या क्या रिड्यूस करना है। तो केमिस्ट्री के यूनिट के हिसाब से देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हमारा जो है जैसे कि सम कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर आपको नेचर ऑफ मैटर, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। सेकेंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल एंड इट्स आपका जो है लिमिटेशंस, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन, इन टॉपिक को नहीं देखना है। थर्ड यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में आपका जो है सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, उसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये आपको जो है ये पढ़ना है। उसके बाद जो है आपको स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर जो कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना है उसमें है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, क्रिटिकल लिटरेचर, काइनेटिक एनर्जी, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिकुलर स्पीड्स, इसको देखना है आपको। उसके बाद केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम लोग देखते हैं तो हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्राइटेरिया फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स, हेंडरसन्स इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें आपको नहीं पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन यूनिट 9 हाइड्रोजन के अंदर, प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रिपरेशंस, रिएक्शन सेंड स्ट्रक्चर एंड यूजेस। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है
आपको प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद जो है इंडस्ट्रियल यूजेज, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब हम लोग जो है पी ब्लॉक के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जैसे कि बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरन, हाइड्राइड्स, एल्युमिनियम, ठीक है, उसके बाद जो है आपका रिएक्शन विथ एसिड एंड अल्कलीज, उसके यूजेस हम लोग को नहीं देखने हैं। कार्बन में यूज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स, ऑक्साइड, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन एंड ए फ्यू यूजेज, सिलिकन, टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन्स, सिलिकेट्स एंड जियोलाइट्स, देयर यूजेस। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नंबर 13 में हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आपको देखना है फ्री रेडिकल्स, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजन्स और कंबसन्स एंड पायरोलाइसिस। नेक्स्ट इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इंटायर चैप्टर्स, यानी कि इस तरीके से जो यहाँ पे टॉपिक दिखाया जा रहा है इसको जो है हम लोग को क्या करना है, हटा देना है, इसको ध्यान नहीं देना है। कुछ फिर प्रैक्टिकल के अंदर भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल के अंदर जो आपको स्कूल में करवाया जाएगा एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन पीएच, ठीक है, उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, उसके बाद ये सब टॉपिक जो है आपके, इसको जो है क्या करना है आपको जो है नहीं देखना है, ठीक है। तो ये हो गए आपके, अब आ जाइए नेक्स्ट जो है केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद हिंदी केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद आपका जो है बायो आइए। बायो के अंदर देखिए क्या क्या डिलीटेड पोर्शन है, तो डिलीटेड पोर्शन है चैप्टर वन में लिविंग वर्ड के अंदर जो है टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स, टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, उसके बाद आपको म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, बोटनिकल गार्डन्स की फॉर आइडेंटिफिकेशन, इसको देखना है नहीं है। उसके बाद चैप्टर थर्ड के अंदर जो है प्लांट किंगडम, इसके अंदर एंगियोस्पर्म, उसके बाद एंगियोस्पर्म के अंदर क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड एग्जांपल्स। यूनिट टू के अंदर जो है हम लोग जब मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट्स देखेंगे, उसके अंदर जो है कुछ टॉपिक को डिलीट किया गया है, जिसके अंदर जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्रूट एंड सीड्स। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिलीज, इसको नहीं देखना है। चैप्टर सिक्स में जो है एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, उसके अंदर आपको एंटोनॉमी एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट टिश्यू सिस्टम्स इन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, सेकेंडरी ग्रोथ। चैप्टर सेवन के अंदर जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, इसके अंदर जो है मॉर्फोलॉजी, एंटोमी, फंक्शन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ एन इंसेक्ट। प्लांट साइकोलॉजी के अंदर जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के अंदर जो है मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस, न्यूट्रिएंट्स, सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, उसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट वाटर रिलेशन, एम्बिशन, वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, उसके बाद जो क्लोजिंग में स्टोमा, अपटेक ट्रांसमीटर, ये सब टॉपिक जो आपको नहीं देखना है। नेक्स्ट हो गया आपका जो है चैप्टर 12, उसके अंदर जो है मिनरल न्यूट्रिशन के अंदर जो है एसेंशियल मिनरल, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, देयर रोल, डिफिशियंसी, सिम्टम्स, मिनरल टॉक्सिसिटी, एलिमेंट्री डाटा ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एज ए मेथड, डू स्टडी मिनरल न्यूट्रिशन, ये इसको नहीं देखना है। चैप्टर 15 में आ जाइए आप प्लांट, उसके अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर जो है आपको जो है देखना है, नहीं देखना है कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड रेडिफरेशन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए प्लांट सेल, सीड डोरमेंसी, बर्मिनलाइजेशन, फोटोपेरोडिज्म, इनको आप नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे। यूनिट 4 के अंदर जो है ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर आपका जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसके अंदर एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गैस्ट्रोनेस्टिनल हार्मोन्स, पेरिस्टाइट, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स,
उसके बाद एजुकेशन, न्यूट्रिशन, ये सब टॉपिक को छोड़ना है आपको। उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लोकोमोशन है मूवमेंट के अंदर जो है टाइप ऑफ मूवमेंट, जैसे कि आपका सिलियरी हो गया, फ्लैगलायर हो गया, मस्कुलर हो गया, इसको छोड़ना है। उसके बाद जो है आपको स्केल्टन सिस्टम के अंदर जो है मस्कुलर एंड स्केल्टन सिस्टम में माइस्थेनिया ग्रेविस, टैटेनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एर्थरिस्ट, ऑस्टोपोरोसिस, ग्राउट, ये सब जो है आपको नहीं देखना है। उसके बाद जो है चैप्टर 21 में न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन्स, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर, इसको जो है आप नहीं देखेंगे। उसके बाद कुछ टॉपिक्स है यहाँ पे जो रिलेटेड पोर्शन है प्रैक्टिकल के अंदर, वो स्कूल के अंदर करवाया जाएगा, तो उसको आप देख लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे इसको जो है स्लो करके आपको क्या करना है, नोट कर लेना है, इससे आपको जो है पता चल जाएगा जो प्रैक्टिकल के अंदर भी किस किस टॉपिक को हम लोग को नहीं देखना है। तो आपका हो गया बायोलॉजी, हो गया फिजिक्स के अंदर आइए। फिजिक्स के अंदर जो रिलेटेड पोर्शन है 11th में, वो आपका फिजिकल वर्ल्ड, क्या है फिजिकल वर्ल्ड, इसके अंदर क्या है आपको जो है स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, ये आपको नहीं देखना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन के अंदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, पोजिशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। चैप्टर 5 के अंदर, चैप्टर 5 के अंदर लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 5 के अंदर जो है आपको जो है लॉ ऑफ मोशन, उसके अंदर जो है आपको देखना है इंट्यूटिव कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चैप्टर 7 में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशंस, स्टेटमेंट्स ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशंस। चैप्टर 8 ग्रेविटेशन के अंदर केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन टॉपिक को छोड़ देना है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के अंदर आपको नहीं पढ़ना है, इलास्टिक बिहेवियर, शियर मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी, पोजीशंस रेशियो एंड इलास्टिक एनर्जी। चैप्टर 11 में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। थर्मोडायनामिक्स में जो है हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, इस टॉपिक को आप छोड़ेंगे। वेव्स के अंदर फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स, डॉपलर इफेक्ट, ठीक। बाकी है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल के लिए आप स्कूल में ध्यान दीजिएगा, और क्लास 12 के लिए देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके अंदर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, इसके कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कार्बन रेसिस्टर्स, कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। नेक्स्ट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के अंदर जो है साइक्लोट्रॉन, इसको हम लोग को नहीं देखना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, टॉर्क क्यू ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद पारा, डाई, फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस, इन सब के बारे में नहीं देखेंगे। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर 7 में पावर फैक्टर, वेटल्स करंट, इसको नहीं देखना है। चैप्टर 8 के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। चैप्टर 9 में रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, मिरर फॉर्मूला, स्केटरिंग ऑफ लाइट के अंदर ब्लू कलर ऑफ द स्काई, रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। उसके बाद रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, पोलराइजेशन, प्लेन पोलराइजेशन लाइट, ब्रेस्टर्स लॉ, यूजेज ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट एंड पोलेरॉइड्स। और चैप्टर 11 के अंदर ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसके बाद जो है आपका जो है डेविसंस गैर्मा एक्सपेरिमेंट। चैप्टर 13 में न्यूक्लिया के अंदर रेडियो एक्टिव अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स, रेज एंड देयर प्रॉपर्टीज, रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर एंड इट्स वेरिएशन विथ मास नंबर। चैप्टर 14 के अंदर जो है सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स, जेनर डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जेनर डायोड
एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, और नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिकल का दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो इन टॉपिक को क्या करना है, जो भी इसमें बताया गया है आपको साइंस के अंदर जो फिजिक्स है उसमें ये टॉपिक आपको नहीं देखना है। अब आ जाइए केमिस्ट्री फिजिक्स सब हो गया आपका, अब आ जाइए किस में, मैथ के अंदर, ठीक है ना। तो मैथ के अंदर देखिए यहाँ पे मैथ में डिलीटेड पोर्शन क्या क्या है। तो सबसे पहले क्लास एलेवेंथ का देखते हैं, क्लास एलेवेंथ में आपका जो है सेट थ्योरी के अंदर डिफरेंस ऑफ सेट्स कम्प्लीमेंट एज ए सेट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक। रिलेशन और फंक्शन के अंदर जो है आपको सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशियंट ऑफ फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के अंदर जो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन ऑफ द टाइप साइनी सीना कॉस टेनी, ये इसका नहीं देखना है। उसके बाद अलजेब्रा में आते हैं, तो अलजेब्रा में आपको जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस पूरे चैप्टर को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। कम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएंगे तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, इसको हटाया गया है, और स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वलिटी, ये नील है। उसके बाद जो है परमुटेशन और कम्बिनेशन के अंदर जो है डेरिवेशंस फार्मूला फॉर एनपीआर एंड एनसीआर, इसको हटा दिया गया है। बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो है पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आएगा तो फार्मूला ऑफ द स्पेशल सम जो है इसको जो है हटाया गया है। उसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखते हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन के अंदर जो है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, इसे नहीं देखना है। उसके बाद कॉनिक सेक्टर सेक्शन के अंदर जब हम जाते हैं, ए पॉइंट ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस एज ए डीजेनरेटेड केस ऑफ कॉनिक सेक्शन। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ये सब नील है आपका जो है। कैलकुलस में लिमिट डेरिवेशंस, इसको नहीं देखना है। उसके बाद जो है आपका ये नील है, इसमें से नहीं हटाया गया है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर जो है आपको जो है पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग जो है इस पूरे चैप्टर को क्या किया गया है, डिलीट कर दिया है। ऊपर जो है आपका जो है लिमिट डेरिवेशन हो गया और थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, इसको जो है देखना पड़ेगा, ठीक। अब एस्थेटिक्स के अंदर क्या हटाया गया है, तो एस्थेटिक्स में एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विथ इक्वल मींस बट डिफरेंट वेरियंस, और प्रोबेबिलिटी में एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी कनेक्शन विथ अदर थ्योरीज ऑफ अर्लियर क्लासेस, यहाँ पे इसको हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब क्या कीजिएगा, इन सारी चीज़ों को चैप्टर को जो है अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। और देखने के बाद जो है इसको जो है कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा। कॉपी पे नोट करने के बाद उसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। और हमेशा ध्यान रखिए जो 11th और 12th का जो क्लास है जो है आपको मतलब लाइफ के गोल सेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए कोशिश ये होनी चाहिए कि इसमें जितना एफर्ट है हमारा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना मेहनत करना चाहिए, और एक प्रॉपर गोल और एक प्रॉपर जो है प्लानिंग के तहत आप पढ़ेंगे तो आई थिंक यू गेट बेटर रिजल्ट इन एग्जामिनेशन।